तो आज सांबादिक सम्मेलन को स्वागत आज आम दल पक्ष जो नया पत्र घोषणा एवं आपण मैंने जानते हैं कि गत काली जयपुर एवं तेलंगाना विशाल जनसमावेश भितर लोक मान अभूतपूर्व उत्साह उद्दीपना आम देखुचे केमिति पूरा भारत बर्षर राजनीतिक डिस्कोर्स को बदल डेवलपमेंट को एवं महिला कृषक श्रमिक युवक एवं भागीदारी सोशल जस्टिस कथा को लेकर के स्पष्टता सहित कांग्रेस तार घोषणानामा तार ग्यारंटी तार इस्तार प्रकाश कर संपर्क में आज ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमिटी तरफ आयोजित ये सांबादिक सम्मेलन में आपण मानक माध्यम आम ओडिशावासी को मध्य अवगत कराया चाहूँ जो कांग्रेस जो अभिनव अभूतपूर्व एवं ऐतिहासिक जो घोषणानामा लोकों से जनवा संगे संगे लोकों सहयोग समर्थन एवं आशीर्वाद कामना कर संपर्क में आज ये सांबादिक सम्मेलन आम सह अच्छा एआईसीसी कम्युनिकेशन विभाग प्रभारी ओडिशा इनचार्ज श्रीमती बबिता शर्मा जी एवं ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमिटी गणमाध्यम विभाग अध्यक्ष डॉक्टर विश्वरंजन महांति अनुरोध करी बबिता मैडम को से संपर्क में और मेरे दोस्त संभवदाता आप लोगों को भी धन्यवाद कि आप संडे में भी आए हैं हमारा ये प्रेस मीट अटेंड करने के लिए। आप लोग जानते हैं कि हम कांग्रेस पार्टी लगातार देशवासियों को और आप लोगों के जरिए हमारे देशवासियों को हम बोलते रहे कि देश के युवा पीड़ित हैं क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं है। बीजेपी ने बोला था कि 2 करोड़ जॉब्स देंगे लेकिन क्या हुआ हम देखा कि उन्होंने कुछ नहीं कर सका और आज देश के युवा नौकरी के लिए दर दर घूम रहे हैं। आपने देखा कि हमने किसानों का जो मुद्दा था उनके बारे में आपके ज़रिए देशवासी को के सामने रखा। किसान उनके संघर्ष कितना जारी रखा आपने टेलीविज़न के माध्यम से देखा और उनका जो संघर्ष हुआ था 3 काले कानून के लिए जो मोदी सरकार ने उनके ऊपर थोप दिया था वो 16 महीना के बाद मोदी सरकार को उसको वापस लेने के लिए मजबूर किया गया था। फिर भी किसान आज भी रास्ते पे है, प्रोटेस्ट जारी है क्योंकि उनका MSP अभी भी दिया नहीं गया है। आप लोग जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी महिलाओं की सुरक्षा के लिए लगातार लोगों के बीच उनकी आवाज़ उठा रहे थे। आपने देखा मणिपुर में हमारे बहनों का क्या हालत हुआ, हाथरस में हमारे बहनों का क्या हालत हुआ, उन्नाव में हमारी बहनों का क्या हालत हुआ, रेसलर्स बहनों का क्या हालत हुआ आपने देखा। और आज भारतवर्ष में महिला का ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, जो क्राइम है वो बढ़ती जा रही है। भाजपा के दिन में महिला के ऊपर जो क्राइम हो रहे हैं वो बढ़ती जा रही है। आपने देखा कि जितने भी हमारे पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनका ऊपर हुए जो अन्याय उसके बारे में भी हमने आपके सामने रखा था। गवर्नमेंट में जितने भी जॉब्स है, गवर्नमेंट जॉब्स जो वैकेंसीज है वो अभी भी फिलअप नहीं हो रहे हैं जो शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब के लिए था। आपने देखा उनको भी न्याय चाहिए। तो हमारा जो मैनिफेस्टो है उसका जो पिलर्स है इन 5 पिलर्स के ऊपर आधारित है। राहुल गांधी जी ने जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू किया था उसके बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू किया था, उन्होंने बहुत लोगों से मिला, बहुत लोगों से बातचीत की और उन बातचीत उन आदान प्रदान के जरिए ये मैनिफेस्टो तैयार किया गया है। तो ये मैनिफेस्टो सिर्फ एक घोषणा पत्र नहीं है, ये न्याय पत्र है और यह न्याय पत्र लोगों को जो चाहिए, लोगों को जो स्ट्रगल है, संघर्ष है उसका एक आवाज़ है।
तो इस न्याय पत्र में बहुत सारे गारंटीज है, 5 मेन गारंटीज में 25 गारंटीज भी जुड़े हुए हैं। उसका हम आपको डिटेल हम व्हाट्सएप में शेयर करेंगे कि, बट बिफोर दैट आई वॉन्ट टू जस्ट पॉइंट आउट अ फ्यू सैलियंट पॉइंट्स ऑफ द मैनिफेस्टो। हम जब युवा के बारे में बात करते हैं, हमारा मैनिफेस्टो में हमने लिखा है, हमने गारंटी दी है